हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अपूर्व। आप सबको प्लान एंड प्रोफाइल पे स्वागत है। अगर आप कोई सिविल इंजीनियर या सर्वे इंजीनियर या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर है तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। आप तो जानते ही होंगे कि हमारा इंजीनियरिंग लाइन का ऑटोकैड एक मोस्ट एसेंशियल पार्ट है। सबको ऑटोकैड सीखना पड़ता है। हमारा पहला कॉलेज का पहला पहला दिन पे, फर्स्ट ईयर या लास्ट ईयर पे, सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग पे ऑटोकैड सीखना पड़ता है। तो फिर आज जो हमारा जो वीडियो है ये फिर ऑटोकैड का एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए आपका कंप्यूटर पे ऑटोकैड इंस्टॉल है, तो फिर इंस्टॉल का प्रोसीड्योर मैं आपका दूसरा कोई वीडियो पे दिखाऊंगा। आज हम ये पार्ट पे चलते हैं कि आपके पास ऑटोकैड इंस्टॉल हुआ है पहले से। पहले ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ आइकॉन दिखेगा, जैसे कि इधर ये लाइन का, कमांड लाइन का आइकॉन है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन का है, ये पॉली लाइन का है, ये पॉलीगॉन का है, ये रेक्टेंगल का है, ये आर्क लाइन का है, ये सर्कल का है। ऐसे मतलब बहुत सारे आइकॉन आपको दिखेगा। तो इसमें से आपको पहले पहले आपको मेनली लाइन का ऊपर का वीडियो होगा, लाइन, पॉली लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, क्योंकि ये सब बेसिक से आपको बेसिक से शुरू करना है। तो फिर लाइन, पॉली लाइन, रेक्टेंगल, ये आपको हर मतलब हर एक काम पे ज़रूरत होगा। सर्किल, इलिप्स, इसके बाद आर्क लाइन। आप जब काम करेंगे तब आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आइकॉन पे क्लिक करके कर सकते हैं और दूसरा एक कर सकते हैं कमांड लिखकर। मेरा हिसाब से कमांड लिखकर बेहतर होगा। पहले पहले आपको आइकॉन पे क्लिक करके मतलब आपके लिए आसान होगा, पर आप अगर इसका आदत डाल लोगे कि कमांड लिख के करेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत बाद में फायदेमंद होगा। क्योंकि आपको जब स्पीड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पास पहले पहले तो आपको कुछ बेसिक्स का ऊपर काम करना पड़ेगा, तो फिर इसके लिए आइकॉन पे क्लिक करके ठीक है, पर जब आपको ह्यूज क्वांटिटी का काम करना पड़ेगा तो आपके लिए कमांड बेहतर रहेगा। तो फिर शुरू करते हैं। पहले लाइन का ऊपर काम करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है लाइन का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी लाइन खींच सकते हैं, कोई भी मतलब मेजरमेंट का। और एक बात आपको पहले याद पे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोकैड पे जब आप काम करेंगे तो फिर आपको हर एक आइटम मतलब हर एक यूनिट मिलीमीटर पे होगा। यहाँ पे आप मीटर का या फुट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले आपको हर एक आइटम का मेजरमेंट आपको मिलीमीटर पे करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको 10 मीटर बाय 20 मीटर का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो फिर इसके लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक कीजिए या फिर लाइन के लिए एल मान लीजिए 20 मीटर है, तो फिर यहाँ पे 20,000 होगा, एंटर कर लीजिएगा। इसके बाद ये अगर क्लोज करना है तो फिर इसके लिए फिर यहाँ पे 10,000 होगा और इधर अब जोड़ दी। इसके बाद आता है पॉलीलाइन कमांड। पॉलीलाइन कमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, पॉलीलाइन कमांड जो होता है वो छोटा छोटा कुछ लाइन को एक साथ में जोड़ के एक पॉलीलाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो ड्रॉ किया हुआ है हम लोग, यहाँ का जो फोर आर्म है वो सेपरेट सेपरेट दिखेगा। जैसे कि इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे तो आपको चार दिखेगा लाइन, पर अगर यही पॉलीलाइन पे होगा तो एक लाइन दिखेगा। ऐसे कि अगर इस रेक्टेंगल को पॉलीलाइन पे ड्रॉ करते हैं तो फिर कुछ ऐसा होगा। पॉलीलाइन के लिए आप इस आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर पी एल एंटर करके भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 10 मीटर बाय 20 मीटर, उसके बाद फिर 10 मीटर और फिर यहाँ पे जोड़ देना है। ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका लाइन सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ एक सिंगल पॉली लाइन पे आएगा और इसका चार लाइन पे आएगा। यही बेसिक सा डिफरेंस है। इसके बाद आता है रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड के लिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर आप आर ई सी एंटर करके भी कर सकते हैं। आर ई सी एंटर करने के बाद पहले आपको इसका लेंथ देना पड़ेगा, लेंथ 10 मीटर है, तो फिर 10 मीटर। उसके बाद टैप स्विच पे क्लिक करना पड़ेगा, टैप कीबोर्ड पे। इसके बाद आपको 20 मीटर देना होगा, 20 मीटर आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके बाद आता है आर्क कमांड। आर्क कमांड के लिए आपको ए आर सी एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे आर्क आइकन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं।
अभी इस टाइम पे आर्क कमांड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी मैं नहीं बोलूँगा कि इस्तेमाल नहीं होता है, पर बहुत कम हो गया है इसका मतलब इस्तेमाल करना। एक टाइम था 19th सेंचुरी का, तब आर्क हर एक स्ट्रक्चर पे आपको आर्क स्ट्रक्चर दिख जाएगा, जैसे कि मान लीजिए डोर, विंडो, मेन गेट, यहाँ पे आपको आर्क, तो आर्क स्ट्रक्चर दिखेगा ही दिखेगा। पर अभी के ज़माने पे बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अभी भी फिर भी मंदिर या फिर मस्जिद पे आपको आर्क स्ट्रक्चर दिख जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आर्क कमन का, मतलब आर्क कमन का इस्तेमाल कैसे करना पड़ता है आपको दिखाएंगे। आर्क कमन के लिए आपको पहले आर्क का जो हाइट होगा वो डिसाइड करना पड़ता है, यानी मान लीजिए 3 मीटर का आर्क होगा हाइट, 3 मीटर हाइट का आर्क होगा इसका, मतलब मान लीजिए कि ये कोई डोर डोर है, डोर का ऊपर 3 मीटर का एक आर्च बनेगा, तो इसके लिए आपको पहले 3 मीटर पड़ेगा। पहले आर्क कमांड मतलब आर्क कमांड एक्टिव होने के बाद आपको यहाँ पहले पहला पॉइंट पे आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ का जो जो टॉप पॉइंट होगा वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा लेफ्ट क्लिक, इसके बाद यहाँ पे जो एंड पॉइंट होगा वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, आपको आर्क स्ट्रक्चर बन जाएगा। इंटर, आपको सर्कल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। आपको मतलब जो जितना डायमीटर का आपको सर्कल बनाना है आपका, उसका जो रेडियस होगा, मतलब मान लीजिए कि 20 मीटर का सर्कल बनाना है, तो फिर आपको वहाँ पे जो रेडियस होगा 10 मीटर, 10 मीटर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बेस पॉइंट क्लिक कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे सर्कल बनेगा तो फिर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको 10 मीटर इनपुट देना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 20 मीटर डाया का सर्कल। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हो चुका है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा आपका, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।